बिहार के 99 शहरों का होगा जीआईएस मैपिंग, यह होगा फायदा। बिहार में इस साल नगर निकाय का चुनाव होना है। प्रदेश में इन दिनों चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग से लेकर उम्मीदवारों तक ने कमर कस लिया है। ऐसे में अब नगर निकायों को लेकर एक और अपडेट साझा किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि निकायों में अगर कोई प्रॉपर्टी की गलत जानकारी देता है तो उसकी गलती पकड़ी जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश के 99 शहरों में जीआई मैपिंग करवाई जाएगी। बता दें कि इस दौरान शहरों की प्रॉपर्टी सर्वे भी करवाया जाएगा। बताया जा रहा है कि जीआईएस मैपिंग करवाने से नगर विकास विभाग का आमदनी बढ़ सकता है, साथ ही इन इलाकों में रहने वाले लोगों की संपत्ति का सही तरीके से आकलन हो पाएगा। बताया तो यह भी जा रहा है कि इस नए नियम के अनुसार राजधानी पटना के साथ ही 99 शहरों और कस्बों का प्रॉपर्टी सर्वे किया जाएगा, साथ ही इसका जीआईएस मैपिंग भी किया जाएगा। बिहार सरकार ने जीआईएस मैपिंग को लेकर एजेंसियों से प्रस्ताव मांगा गया है। बता दें कि यह प्रस्ताव कंपनियों को 18 सितंबर तक देने को कहा गया है। बता दें कि यह जीआईएस मैपिंग डोर टू डोर जांच के बाद पूरी की जाएगी। इसी के आधार पर इस बात की पहचान हो पाएगी कि किसी भी परिवार के पास कितनी संपत्ति है, साथ ही इस बात की पहचान हो पाएगी कि उस व्यक्ति के पास कितनी जमीन है। बताया जा रहा है कि जब यह मैपिंग का काम पूरा हो जाएगा तो निकाय के पास अपना एक ई रजिस्टर होगा, जिसमें इस बात की पहचान हो पाएगी कि इस इलाके में किस व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है और उस व्यक्ति को कितनी संपत्ति का टैक्स देना होगा। बताया जा रहा है कि जीआईएस मैपिंग और प्रॉपर्टी सर्वे का काम 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि पहले चरण में शहरी निकाय की विस्तृत जीआईएस आधारित नक्शा तैयार जाएगा। बताया जा रहा है कि पहले चरण में शहरी निकाय का विस्तृत जीआईएस आधारित नक्शा तैयार किया जाएगा, वहीं दूसरे चरण में प्रॉपर्टी सर्वे का काम किया जाएगा। इसके बाद तीसरे चरण में जीआईएस एप्लीकेशन विकसित कर नक्शे को प्रॉपर्टी डाटा अटैच कर दिया जाएगा। अब आपके दिमाग में यह बात आ रहा होगा कि आखिर इस मैपिंग से आम लोगों को क्या लाभ होने वाला है। तो आपको बता दें कि बिहार में वर्तमान में सबसे ज्यादा आपराधिक मामले भी जमीन से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जीआईएस मैपिंग के माध्यम से शहर के हर प्लांट और आपके मकान का सही सही स्थिति का पता चल पाएगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को लेकर टैक्स देने में फर्जीवाड़ा नहीं कर सकेगा। इससे निकायों की आमदनी बढ़ेगी और लोग सही कर राजस्व का भुगतान कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस मैपिंग को लेकर शहरों को 20 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। बता दें कि पटना, दानापुर, खगौल, फुलवारी शरीफ, मनेर, बिहार शरीफ, राजगीर सहित 39 शहरों को 12 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। तो वहीं पुनपुन, बीटा, सप्तमचक, धमदाहा, मीरगंज, फुलपरास, बेनीपट्टी सहित 42 शहरों को 8 ग्रुप में बांटा गया है। ऐसे में पूरे प्रदेश को 20 अलग अलग हिस्सों में बांटने की बात कही गई है। यह पूरी प्रक्रिया हर घर में जाकर किया जाएगा, जिसमें आपसे आपकी संपत्ति की भी पहचान की जाएगी। बिहार में इस साल नगर निकाय का चुनाव होना है, जिसमें आपसे आपकी संपत्ति की भी पहचान की जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।